नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक कहानी बता रहा हूं। राजनीति अजीब अजीब होती है। सोचिए, इस देश में आप सोच के हैरान होंगे, नेहरू ने लगातार राज किया, इंदिरा गांधी ने लगातार राज किया है, और उसके बाद 412 सीटें आई राजीव गांधी को, जब उनकी माताजी का एसेसिनेशन हुआ, जब उनकी हत्या हुई, एक सिंपैथी का बेब उतरा। तो लंबा राजनीति जो किया वो नेहरू जी ने किया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने किया। आपको पता है क्यों? राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि इंदिरा गांधी को नेहरू ने संसद नहीं पहुंचाया, इंदिरा गांधी को नेहरू ने संसद नहीं पहुंचाया, इंदिरा गांधी को नेहरू ने चिट्ठियां लिखी और आंदोलन समझाया, विचारधारा समझाई। नतीजा यह हुआ कि अगर इंदिरा गांधी जी की हत्या नहीं होती तो वो नेहरू जी से भी ज्यादा राज करती। वही बहुजन नेता क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को संसद पहले पहुंचाते हैं। मैं परिवारवाद का आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो अपने बच्चों को संसद पहले पहुंचाते हैं और जब वो सत्ता खो देते हैं तब उनको आइडियोलॉजी समझ में आती है। और ये कम से कम हेमंत सोरेन के साथ, आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ, जेडीयू का तो खैर चली नीतीश जी का है, अखिलेश जी के साथ जरूर हुआ, स्टालिन के साथ भी हुआ, लेकिन अब स्टालिन तप के निकले हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश जी अब आइडियोलॉजी नहीं समझ रहे हैं और तेजस्वी यादव आइडियोलॉजी नहीं समझ रहे हैं। मुझे एक यादव समुदाय के साधु मिले जंतर मंतर पर, और उस आदमी ने क्या गजब की बात कही। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या करते हैं, उन्होंने कहा मैं गौ सेवा करता हूं, मेरे पास गौशाला है, और योगी मेरे ऊपर कई सारे केस थे, मैं योगी जी से मिला और योगी जी ने मेरी बड़ी मदद की। तो बिना आइडियोलॉजी की सत्ता बरकरार नहीं रख सकते हैं। तो बहुजन नेताओं के साथ दिक्कत क्या है कि उनके पास अब आइडियोलॉजी नहीं है। सोचिए, माननीय कांशीराम साहब ने पार्टी कैसे खड़ा की थी आइडियोलॉजी के नाम पर। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? बहुजन आइडियोलॉजी। लालू यादव ने 15 साल कैसे राज किया, दलित पिछड़ों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, शोषित वंचितों के नाम पर, कभी कोई कंप्रोमाइजेज नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने किसानों की राजनीति की, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव चूके बीच बीच में, लेकिन अब वो लोग आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग हो गए। आप सोचते हो कि मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, वो बातें इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी अब सत्ता में आ चुकी है और वो राजनीति रोड सड़क रेल की नहीं कर रही है, वो राजनीति कर रही है आइडियोलॉजी की। और इस देश में आइडियोलॉजी की राजनीति लंबे समय तक चलती है। जब तक बीजेपी के खिलाफ आप सोशल जस्टिस की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। आपको पता है कांग्रेस कैसे हारी? नेहरू जी का लंबा राज रहा, इंदिरा जी का लंबा राज रहा, बीच बीच में उसके बाद आइडियोलॉजी की वजह से। सोचिए, जब राजनीति में देवीलाल, जब राजनीति में चौधरी चरण सिंह, जब राजनीति में तमाम ये लोग आए, जो लालू यादव, रामविलास पासवान सब आए, तब जाकर राजीव गांधी कमजोर हुए और असली हथौड़ा मारा माननीय कांशीराम साहब ने। और 400 सीट लाने वाले राजीव गांधी अगले चुनाव में चुनाव हार जाते हैं, जबकि उन्होंने जमकर आइडियोलॉजी की राजनीति की थी। घर घर टीवी और अखबार टीवी में रामायण और महाभारत घर घर पहुंचाया गया, राम मंदिर का विवाद वहीं से ताला खोले गए, लेकिन उसके अपोजिट में जो विचारधारा थी वो सोशल जस्टिस की विचारधारा थी, मंडल की विचारधारा थी, रिजर्वेशन की लड़ाई थी, ओबीसी की लड़ाई थी, और अगला चुनाव राजीव गांधी हार गए। और तभी बीपी सिंह की सरकार बनी, भ्रष्टाचार के भी आरोप थे, बीपी सिंह की सरकार बनी और उसके बाद ओबीसी का रिजर्वेशन भी लागू हो गया, और उसके बाद बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दी कट्टर तरीके से, और वो रथ यात्रा लेकर आडवाणी जी निकल गए, लालू यादव जी ने उनको बिहार में गिरफ्तार किया। बीच में जैसे ही बहुजन नेताओं की लीडरशिप खत्म हुई, वो बुजुर्ग हुए, तो अगला लीडरशिप जो है वो बिना आइडियोलॉजी के आने लगा। आपको पता है आरएसएस में क्या फर्क है, और आरएसएस में और बीजेपी में? आरएसएस और बीजेपी में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, आप बताइएगा, बिहार में शकुनी चौधरी के बेटा सम्राट को अध्यक्ष बनाया गया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी चीफ मिनिस्टर होगा, असम में हेमंत शर्मा चीफ मिनिस्टर होंगे, रघुबर दास, हरियाणा में खट्टर, ये सब वो चेहरे हैं जो सड़क पर तपे हुए हैं आइडियोलॉजी में,
वो आरएसएस में नरसिंह है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत है, उनको हिंदू मुस्लिम की बाकायदा ट्रेनिंग है, लेकिन बहुजन समाज को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। लेकिन सोचिए, चलिए देर ही सही, सत्ता गंवाने के बाद तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, सोचिए कांग्रेस जो आज राजनीति बीजेपी कर रही है वो राजनीति कांग्रेस करती थी और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन अब जो कांग्रेस सत्ता में आई है कर्नाटक में वो किस आइडिया पर आई है? कांग्रेस सत्ता में आई है गरीबों की मदद, महिलाओं को फ्री, युवाओं को भत्ता, इससे किसको लाभ होगा? एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोगों के। वहीं वो जाति जनगणना की बात कर रही है, यहां तक कि कर्नाटक में तो बजरंग दल बैन की भी बात कह दी। तो समझिए कि इस देश में जो अगला चुनाव होगा, मैं आप लोगों को 5 साल से कह रहा था कि इस देश में बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब आपके पास एक आइडियोलॉजी हो, और वो आइडियोलॉजी क्या है? आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग और नौकरी का मतलब सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सरकारी नौकरी रिजर्वेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन। सूत्र बता रहे हैं कि खड़गे साहब 2024 के चुनाव में प्राइवेट निजी कंपनियों में आरक्षण का वो मैनिफेस्टो लाएंगे। सारी कंपनियां जो सरकारी कंपनियां जिसको हिस्सेदारी बेची गई है, जो कंपनियां बेची गई है, उसका फिर से राष्ट्रीयकरण होगा। ये सूत्र बता रहे हैं जिस आइडियोलॉजी पर, जाति जनगणना अहम मुद्दा होगा। उसके साथ ही कोई दलित पिछड़ा या आदिवासी एससी एसटी ओबीसी अब इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, ये लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कल परसों चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव के टॉक शो में कहा, जो डिबेट है उसमें, कि पहले दर्जनों ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे, दर्जनों आधा से ज्यादा ब्राह्मण समाज के एमपी होते थे, वो सोशल मीडिया पर खूब खबरें चल रही है। आज चित्रा त्रिपाठी ने भी कहा कि राहुल गांधी भी तो जनौधारी ब्राह्मण है, आप उसके पीछे लगे हुए हैं। तो किसी को किसी जाति से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो शोषित वंचित लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, जिनको मौका नहीं मिला है, वो धीरे धीरे सामाजिक राजनीतिक रूप से सचेत हो रहे हैं और उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब कुछ महीन होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी होगी। और सोचिए, कर्नाटक में एक भी सवर्ण हिंदू मंत्री अभी नहीं बने हैं, लिंगायत समाज से है, बोकालीगा समाज से है, कुरबा समाज से है, सवर्ण हिंदू ब्राह्मण समाज के एक भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। तो राजनीतिक करवट ले रही है। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है, जो जहां मजबूत होगा वही बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा, ये राजनीति बहुत अहम होने जा रही है। सोचिए, दिल्ली में या बिहार में या कर्नाटक में बीजेपी का वोट परसेंटेज नहीं घट रहा है, मतलब जो योगेंद्र यादव की माने तो सवर्ण हिंदू बीजेपी के साथ है, वहीं ओबीसी हिंदू भी उसके साथ है, ये हिंदू के नाम पर ही वोट मिल रहा है, लेकिन वो संख्या 45% से ज्यादा नहीं है। 50% वो लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन वो अब राजनीतिक रूप से सचेत हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कर्नाटक में जैसे कांग्रेस वर्सेज बीजेपी का मुकाबला हुआ, लेकिन जनता भी समझदार हो गई, जनता ने वहां जेडीएस को छोड़ दिया, वहां ट्रायंगुलर मुकाबला था, लेकिन पूरा किसान समाज के जो वोट है, ओबीसी वोट, जो मुस्लिम समाज के वोट है, वो जेडीएस को न मिलके कांग्रेस को मिल गया। यही स्थिति अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होती है तो बीजेपी हार जाएगी, लेकिन अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट देगी तो फिर बीजेपी जीतेगी, पंजाब में कैंडिडेट देगी तो फिर बीजेपी का तो वहां नहीं कुछ होगा, लेकिन कांग्रेस आप में मुकाबला होगा। लेकिन सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जीतेगी ममता बनर्जी अगर कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया तो, लेकिन नवीन पटनायक की चुप्पी उनको नुकसान कर सकती है। अगर कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा तो वहां नवीन पटनायक वर्सेज कांग्रेस होगा, और उसमें कांग्रेस को फायदा हो सकता है, क्योंकि कम से कम मुस्लिम, ओबीसी और एससी एसटी, ये चारों लोग बीजेपी से बहुत नाराज है, दुखी है। और क्यों? इसकी वजह है, तुष्टिकरण। लगातार सवर्ण समाज के लोगों की संख्या बढ़ रही है, उनको नौकरियां भी मिल रही है, वो बड़े पदों पर जा भी रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के साथ लगातार जाति अत्याचार बढ़ रहे हैं,
अगर बीजेपी इस पर लगाम नहीं लगाती है, जातिवाद पर लगाम नहीं लगाती है, अगर सवर्ण समाज का, जैसे वो लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कहते थे, अगर सवर्ण समाज का तुष्टिकरण नहीं रुकता है, तो ये जो 90% में से जो 80% आबादी है, 70%, 75%, वो नौकरी के नाम पर बीजेपी के खिलाफ जाएगी। लेकिन कई जानकार बताते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी का ही पिछड़ाकरण हो जाए, बीजेपी पिछड़े नेताओं को प्रोजेक्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान में इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया के बदले कोई और मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो। ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश में उनके ओबीसी चेहरा है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बदले कोई ओबीसी साहू समाज से वो चेहरा प्रोजेक्ट करें, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। जो कांग्रेस के थिंक टैंक, बीजेपी के जो थिंक टैंक है, वो कह रहे हैं कि ओबीसी के मुकाबले ओबीसी साहू समाज का वोट सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। बिहार में उसी तरह से ओबीसी के चेहरा को अध्यक्ष बनाया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, याद कीजिए 2019 का चुनाव होना था, यूपी का चुनाव होना था, 27 ओबीसी मंत्री डिक्लेयर किए गए थे यूपी की तरफ से। तो बीजेपी का ही पिछड़ाकरण हो सकता है, ये बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि तय है कि बीजेपी को 15%, 10%, 12% जो भी संख्या हो, सवर्ण हिंदू का वोट तो मिल रहा है, लेकिन नौकरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से, और जिस तरह से आरक्षण खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से जातीय हिंसा लगातार बढ़ रही है हर राज्य में, खासकर जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस है, तो लोगों का मोह भंग भी हो रहा है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सब सारे फैक्टर है जो 2024 में काम आएगा, और अगर तमाम विपक्षी दल एकजुट होते हैं तो फिर एक मिली जुली सरकार की उम्मीद बनती है 2024 में। और मैं फिर कह रहा हूं, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि मिली जुली सरकार जो होती है, कमजोर सरकार जो होती है, वो जनता के हितों में फैसले ज्यादा करती है। दो बड़े फैक्टर है, सोचिए कर्नाटक चुनाव में बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा था और ओवैसी ने भी चुनाव लड़ा था, उनको वोट नहीं मिला, उनके कैंडिडेट नहीं जीते। मतलब कर्नाटक के बाद आप देख लीजिएगा, लेकिन 2023 में ही क्लियर हो जाएगा कि 2024 में क्या होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से तीन ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल गया है कांग्रेस को, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, अगर कांग्रेस की जो सवर्ण लीडरशिप है वो हेकरी में आई और खड़गे साहब की नहीं चली, और अगर इन राजस्थान में आपको गठबंधन करना पड़ेगा, आप कल्पना कीजिए कि बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, कांग्रेस या चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हो जाए, बेनीवाल बड़े फैक्टर हैं, सचिन पायलट अगर पार्टी बनाते हैं, और अगर सचिन पायलट, बेनीवाल और चंद्रशेखर, जिसकी उम्मीद है, एक साथ आते हैं, तो फिर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, कांग्रेस का हारना तय है। क्योंकि बीएसपी भी अलग लड़ेगी, बेनीवाल, सचिन पायलट और चंद्रशेखर बड़े फैक्टर होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद से या बीएसपी से या फिर जैस से गठबंधन नहीं करती, अकेले दम पर हेकरी दिखाएगी, तो वहां उसको हार मिलेगा, कर्नाटक वाला मसला नहीं होगा। क्योंकि कर्नाटक में अल्पसंख्यक वोट बहुत ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट के वोट बहुत ज्यादा थे, खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं। छत्तीसगढ़ में मुकाबला जो है वो ओबीसी बनाम ओबीसी करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, जिसकी पूरी संभावना है। सोचिए बीजेपी कितना ध्यान रखती है, एक आदिवासी कानून मंत्री को हटाया तो एक दलित को कानून मंत्री बनाया, ये होती है राजनीति। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी का ही पिछड़ाकरण हो जाए और बीजेपी में पिछड़े नेताओं का, दलित नेताओं का, आदिवासी नेताओं का बोलबाला हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा 2024 में? मेरा काम विश्लेषण है, क्या आप मेरी राय से सहमत हैं, असहमत हैं? सवाल है कि इस देश के 85% लोगों को आप रोजगार नौकरी से दूर करेंगे, बेरोजगारी से दूर करेंगे, तो धर्म की राजनीति भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि इस तरह की राजनीति कांग्रेस करती रही है पहले। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।